तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कुछ हमारा घाघर। इधर देख सकते हैं हमारे स्वामी भी। मेरी दो बहनों के साथ केक कटिंग मेरे बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे। लो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आबिर हट का लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गणपति आबिर में। तो गाइस, आज है 1 मार्च, मार्च महीने का 1 तारीख। तो आज क्या है, क्या स्पेशल डे है, वो तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ आसनसोल घाघरबूढ़ी चंडी माता मंदिर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग घाघरबूढ़ी मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर मैं और हमारा ये संजू भाई, हम दोनों आए हैं। तो अभी चलिए मंदिर में जाकर पूजा दे लेते हैं, उसके बाद फिर से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कुछ हमारा घाघरबूढ़ी मंदिर का एंट्री गेट। तो अभी चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर कुछ एक दुकान पर खड़ा होकर पूजा के लिए सामान ले लेते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे पूजा देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूजा के लिए सामान ले लिया है, मैंने और संजू ने दोनों ने ले लिया है। अभी मंदिर में जाकर पूजा देंगे। तो जय माँ घाघरबूढ़ी बोलकर चलिए मंदिर में जाकर पूजा दे देते हैं। तो अभी पूजा के लिए हमें लाइन देना पड़ेगा, तो लाइन दे देते हैं, उसके बाद मंदिर में एंट्री करेंगे और माता घाघरबूढ़ी का दर्शन होगा और पूजा भी देंगे। तो अभी लाइन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर आगे ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर पीछे ही बड़ा है। और इधर देख सकते हैं हमारे संजू भाई को MS धोनी का कॉल आ रहा है, और महेंद्र सिंह धोनी का कॉल आ रहा है। कांग्रेचुलेशन भाई, मुझे भी सर नंबर दे देना महेंद्र सिंह धोनी का, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमारे माही भाई का, तो नंबर दे देना ज़रा, ठीक है? तो अभी चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, पूजा दे देते हैं। मंदिर के अंदर हम लोग चले आए हैं और शायद अभी माता रानी को जो है भोग लगाया जा रहा है, इसीलिए पर्दा लगा दिया है। तो पर्दा खुलेगा, उसके बाद हम लोग जो है पूजा देंगे। तो चलिए चलते हैं। इधर माँ घाघरबूढ़ी चंडी का दर्शन कर लीजिए, और उसके साथ इधर बाजू में ही एक छोटा सा लड्डू गोपाल जो है उसका भी दर्शन कर लीजिए। ये जय माँ घाघरबूढ़ी। फाइनली हम लोगों ने पूजा दे दिया और अभी आप लोग माता घाघरबूढ़ी चंडी का अच्छे से दर्शन कर लीजिए। अभी चलिए बाहर चलते हैं। तो अभी हम लोगों का जो है पूजा कंप्लीट हो चुका है, और अभी यहाँ पर एक होटल पर बैठे हैं, जो कि हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं मैं और संजू है। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे आसनसोल में, थोड़ी देर घूमेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो वीडियो बना रहे आखिर तक, देखते रहिए। हम लोग आ चुके हैं आसनसोल यूएक्स म्यूज़ियम, जो कि है सुशांत राय यूएक्स म्यूज़ियम एंड सीस महल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा देश के मतलब कर्नल बिपिन रावत, जो हाल ही में निधन हुआ इनका, तो उनका मूर्ति है। उसके अलावा इधर हमारे अमिताभ बच्चन और इधर हमारे संजू हॉट सीट पर बैठ गए हैं। कितने रुपए जीतने का टारगेट है संजू? कितना जीतने का टारगेट है? 1 लाख ओनली, 7 करोड़ जीतना है, पूरा का पूरा 7 करोड़। और इधर एक महाराज जी है, और इधर देख सकते हैं हमारे नीरज चोपड़ा सर, और भी बहुत स्टैचू है, अंदर भी है। तो पहले यहाँ पर थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। संजू वहाँ से उठो, मुझे हॉट सीट पर बैठना है। मुझे हॉट सीट पर बैठना है। तो अभी यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह क्लिक कर लेते, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर हूँ KBC के हॉट सीट पर बैठा हूँ, और जो सामने मेरा स्क्रीन है स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन वगैरह आए हैं तो उसके आंसर दूंगा, और मेरा टारगेट पूरे 7 करोड़ जीतने का। तो अमित सर मुझे 7 करोड़ रुपये देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
तो अभी उस रूम से निकलकर इस रूम में आ गए, सेकंड रूम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी है। और उसके साथ ये हमारे भूतपूर्व श्री ज्योति बसु जी, तो इन दोनों का ही यहाँ पर स्टैचू रखा गया है एक साथ। तो अभी इनके साथ भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद और अंदर जाएंगे, अंदर और भी फोटोज़ है। तो हमारे संजू भाई अभी इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मूर्ति है जिन्होंने बनाया है और जिनका ये वैक्स म्यूजियम हुआ है हमारे सुशांत राय सर। तो ये देख सकते हैं, ये ही है हमारे सुशांत राय सर, जिन्होंने एक हमारे माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति का भी जो है मूर्ति बनाया था। वो हमारे राष्ट्रपति जी खुद यहाँ पर देखने के लिए आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं उनके साथ एक फ़ोटो लगाया हुआ है। तो अभी चलिए और अंदर चलते हैं, अंदर जाकर और भी जो मूर्तियाँ हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिंकम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि हमारे बंगाल के बहुत बड़े एक लेखक है। उसके साथ यहाँ पर हमारे विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी एक छोटा सा मूर्ति रखा है, जो कि एक कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। उसके साथ यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं, इधर देख सकते हैं, और इधर देख सकते हैं हमारे किंग कोहली, विराट कोहली सर का एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। उसके साथ और भी है, यहाँ पर देख सकते हैं एक और भी है, ये देखिए। और इधर एक महाराज जी का जो है स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पर उसके बाजू में ही एक बहुत ही बड़ा कार्टून है, जो कि मतलब हर एक बच्चे ने अपने बचपन में देखा है, जो कि है छोटा भीम। तो छोटा भीम का जो मेन कैरेक्टर्स है, जैसे कालिया हो गया और राजू, चुटकी, छोटा भीम, ये सभी लोग हैं। मगर मैं तीन लोगों को मिस कर रहा हूँ, जो कि है जग्गू और लालू भोलू, ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उन लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो मैं सुशांत सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद जब आऊँ तो उन लोगों का भी स्टैचू होना चाहिए यहाँ पर, उन लोगों को मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा शीश महल, जो कि सेकंड फ्लोर पर है, तो वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। इस फ्लोर में मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गया, जो कि है ये स्टैचू, मतलब सिर्फ फेस है, और ये फेस है हमारे चुरुलिया के गर्व नजरुल इस्लाम जी का एक मूर्ति, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये खुद चुरुलिया से है और मैं भी चुरुलिया से हूँ। तो हमारे विद्रोही कवि श्री का एक फोटो नहीं सॉरी ये मूर्ति रखा है। और ये मूर्ति बनाया है जो है ऊट से, लकड़ी से ये मूर्ति बनाया है। तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये। तो अभी चलिए सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, जो कि शीश महल है। तो चलते हैं वहाँ पर। ये शीश महल, जो कि पूरा का पूरा ग्लास से बनाया हुआ है, चारों ओर ग्लास चिपका कर बनाया गया है। इधर देख सकते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही बढ़िया स्टैचू रखा गया है। और यहाँ का जो मतलब काम किया है वो बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे। और इधर एक सिंहासन भी रखा है, राज सिंहासन, जहाँ पर बैठकर आप लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और इधर फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। तो ये जगह मतलब बहुत ही बढ़िया है। हम लोग आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ पर हमारे बांग्ला टॉलीवुड के सुपरस्टार देव, यानी कि दीपक अधिकारी का एक स्टैचू है। तो ये स्टैचू एकदम नया लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। उसके साथ यहाँ पर हमारे किंग खान, यहाँ पर हमारे किंग खान शाहरुख खान, जो कि पठान लुक पर यहाँ पर है। उसके साथ बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से, मतलब हमने जो 7 करोड़ रुपये जीते तो वो 7 करोड़ रुपए देने के बाद यहाँ पर अमिताभ बच्चन खड़े हैं। और उसी के साथ यहाँ पर हमारे भारत के सुपरस्टार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक बहुत ही बढ़िया स्टैचू है, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया बड़े एरिया के साथ यहाँ पर है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लता मंगेशकर जी,
जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमने हमारे भारत से एक बहुत ही बढ़िया सिंगर को खो दिया है, मगर कोई बात नहीं, हमारे आसनसोल के सुशांत राय, जो कि आसनसोल के एक बहुत ही बड़े वैक्स मतलब आर्टिस्ट है, उन्होंने ये लता मंगेशकर जी का स्टैचू बनाया है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन हमारे चार्ली चैप्लिन। तो स्कूल में जब गोवा एस यू लाइक का कंपटीशन होता था तो वहाँ पर मैं नाम देता था और मैं ज़्यादातर चार्ली चैप्लिन का ही मतलब रोल करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चार्ली चैप्लिन भी है, उसके साथ यहाँ पर देखिए मतलब ये स्टैचू मुझे अब तक का सबसे बड़ा बढ़िया स्टैचू लगा है, जो कि है सुशांत सिंह राजपूत का। मतलब सुशांत राय जी ने सुशांत सिंह राजपूत का ही एक स्टैचू बना दिया है। तो यहाँ पर भी थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे आसनसोल बाज़ार। हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में, तो मैं और संजू यहाँ पर रेस्टोरेंट में है और इधर देख सकते हैं आईपीएल का जो है हाइलाइट्स चल रहा है। तो अभी कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद बाज़ार में जाएंगे, कुछ शॉपिंग करना है। तो पहले खाना खा लेते हैं। और हम लोग अभी जिस रेस्टोरेंट में हैं वहाँ का जो रेट है खाने का रेट वो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं इस मतलब रेस्टोरेंट का एड्रेस वगैरह सब आप लोगों को दे दूँगा, तो अगर कोई आना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट में तो आ सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट का जो खाने का रेट है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है और ये जो है ये मेरे पैसे पर ही खाएगा, क्योंकि आज मेरा ही बर्थडे है। ठीक है, तो पार्टी दे रहा हूँ। ठीक है, आप आ जाइए पार्टी लेने का है। तो भी खाना रहे दो, खा लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा खाना आ चुका है, जो कि है दो तंदूर रोटी और एक चिकन कढ़ाई। तो मैं और संजू मिलकर अभी इसे दबा कर खाएँगे, फिर जाएँगे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बर्थडे केक है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है, और इधर मोम मेघा ये लोग भी तैयार है, और इधर आंटी की और मम्मी जी इधर छुप गए हैं, और इधर हमारा ओपी भी आ चुका है। तो अभी केक कटिंग होगा, तो चलिए केक को काट लेते हैं। तो अभी यहाँ पर होगा हमारा केक कटिंग, तो मैं और मेघा हम दोनों भी इधर केक कटिंग करेंगे। तो मेघा छुरी चलो। तो यहाँ पर हमारा मो भी आ चुका है, चलती उधर मेरी दो बहनों के साथ केक कटिंग मेरे बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे, बोलो बोलो सब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आसनसोल गया था पहले घाघर मुड़ी माता के मंदिर में पूजा दिया, तो पूजा देकर हो गया, उसके बाद गया हम लोग आसनसोल वैक्स म्यूजियम, वहाँ पर थोड़ी देर तक घूमा। फिर घर पे आने के बाद घर में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, मतलब सिर्फ घर के लोग, मतलब बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया था। तो अभी टाइम है मेरे गिफ्ट को दिखाने का। तो सबसे पहला गिफ्ट जो है ये एक ब्लेज़र, ठीक है, तो ये ब्लेज़र मुझे गिफ्ट किया है मेरे पापा ने, तो थैंक यू पापा ये ब्लेज़र गिफ्ट करने के लिए। और एक और गिफ्ट है जो कि दिया है हमारे आज के कैमरामैन ओबी, ठीक है, तो उसने दिया है ये एक वॉलेट दिया है, तो वो भी देखते हैं, खाली दिया है कुछ, भर भी दिया है अंदर। वाओ, ओह माय गॉड, खाली, वाओ, खाली, कुछ तो है।
ऊपर देख लो ऊपर का बुकर कैसे नहीं जाए। ओ भाई साहब मैंने सोचा क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ होगा उसमें से कुछ खर्च वगैरह कर सकूँगा, मगर ये क्या क्या गमना होने का रहे तू बाबा। तो ये जो वॉलेट है वो बहुत ही अच्छा है, तो थैंक्स टू भी इस खूबसूरत से वॉलेट को मुझे गिफ्ट करने के लिए, मगर कुछ भर के भी देना था, ऐसा खाली नहीं देना था, ठीक है। फिर भी ठीक है, वॉलेट दिया, थैंक यू भी। तो ये वॉलेट मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स पर जो चाहे लिख दीजिए, मगर कमेंट कीजिए, जो चाहे लिखिए मगर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।